और छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलकर बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा देना चाहती है, तो वहीं सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की मनमानी से बच्चों का भविष्य अधर में लटका है। महेंद्रगढ़ में कई शिक्षक तो ऐसे भी हैं जो कई दिनों तक स्कूल भी नहीं आते हैं। ये छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के सरकारी स्कूल के छात्रों की कहानी और उनके अभिभावकों की जुबानी है। यहाँ के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र विकास खंड भरतपुर के प्राथमिक स्कूल बड़गांव कला में दो शिक्षकों की पदस्थापना हुई है, लेकिन 26 जून को शाला प्रवेश उत्सव मनाए जाने के बाद से ही दोनों शिक्षक स्कूल में आ ही नहीं रहे हैं। सिर्फ एक चपरासी के भरोसे ही स्कूल चल रहा है और बच्चे स्कूल आकर मिड डे मील खाकर घर लौट जाते हैं। इतना ही नहीं, बिना सूचना के ही शिक्षक स्कूल से गायब रहते हैं, और वो भी क्यों ना, जब सीएसी खुद ही गायब रहते हैं, जिन पर छात्रावास अधीक्षक का भी प्रभार है। ये बात भी समाचार के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ है और इसकी विधिवत जांच के लिए मैं वहाँ के अधिकारियों को निर्देशित किया हूँ और राइटिंग में मैं जांच प्रतिवेदन का इंतजार कर रहा हूँ। वो प्रतिवेदन भी मुझे सोमवार तक प्राप्त हो जाएगा और यदि ये बात सही हुई तो वहाँ की व्यवस्था को सुधार करने के लिए मैं अलग से एक प्रोग्राम बना के वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करूँगा और ऐसे शिक्षक दंडित भी किए जाएंगे। सबसे बड़ा आश्चर्य तो आपको यही सुनकर हुआ होगा कि जिम्मेदार खुद ये कह रहे हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि जांच के बाद जल्द कार्रवाई का आश्वासन जरूर दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर कब तक बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह के खिलवाड़ होता रहेगा। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर से शब्बीर अहमद सिद्दीकी के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।